भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भाजपा की निजीकरण व नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर की ऐतिहासिक धरोहर टाउन हॉल को निजी हाथों में देने का कड़ा विरोध करती है और पार्टी मांग करती है कि नगर निगम शिमला जो है इस टाउन हॉल के निजीकरण का फैसला जो है वो तुरंत पलटे और इसे जिस प्रकार से पूर्व में समिति की बैठक के कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था उसी रूप में जो है इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि टाउन हॉल कहीं पर भी अगर आप दुनिया में देखें ये जो है नगर निगम की और जो शहरी सरकारें हैं उनके अधीन रहता और उसके कार्यालय के तौर पर जनहित में जो है यूज किया जाता है, जहां से जनता जो है अपने कार्य करने के लिए आती है और वहां से जनता के हित में जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। यदि आप देखें ये लंबे समय से ये जो टाउन हॉल है नगर निगम शिमला का ये जो है समिति कक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पूर्व नगर निगम ने जब इसके जीर्णोद्धार का कार्य तय हुआ था उस समय जो नक्शा और प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से जो है ये तय किया गया था कि नगर निगम ही जो है इसको उपयोग में करेगी और जो निचली मंजिल जहां पर ये सदन कक्ष है जिसका निजीकरण जो है वर्तमान भाजपा शासित नगर निगम कर रही है ये जो है इसके अंदर एक जो बैठक कक्ष जो समिति का जिसमें सदन की बैठक आयोजित की जाती थी इसमें एक वो जो है वो निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ जो पार्षद है उनको जनता से मिलने के लिए जो है कक्ष निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ जनता की सेवा के लिए एक जनसेवा काउंटर और सहायक आयुक्त का कार्यालय जो है निचली मंजिल में जो है वो तय किया गया था। इसके साथ ऊपरली मंजिल में महापौर उप महापौर व आयुक्त के साथ एक स्मृति कक्ष का निर्माण जो है इसके अंदर किया जाना था और ऊपरले मंजिल में जो है उसमें वित्त विभाग और अन्य आवश्यक कार्यों को इसमें करना था। परंतु जब से नगर निगम में भाजपा सत्तासीन हुई है वो जो है नगर निगम की संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, जिसका उदाहरण यही है कि बुक कैफे जो लाखों रुपया जो कमाई जिससे होती थी वो जो है करीब 2 वर्ष से बंद है जो पूर्व नगर निगम ने जिसका निर्माण किया था। और इसके साथ साथ ये जो टूटीगंडी में पार्किंग का निर्माण पूर्व नगर निगम ने किया था उससे जो है करीब 20 करोड़ की आय जो है वो हो सकती है, परंतु वर्तमान नगर निगम जो है भाजपा शासित वो इन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाई है। और आज यदि हम देखें वर्ष 2017 की तुलना में जो है वो 2022 के बजट में करीब 40% की कमी जो है आय में आई है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।